हेलो गाइस, उठ गए हैं, ये भी उठ गई है, मजे आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी धोने, उसके बाद हम घर जाएंगे। और अभी ना ये क्या कर रहा हूँ मैं, और अभी ना ऐसे दोनों कुत्ते उठ के मैं अभी वॉशरूम गया, ठीक है, लियो मेरे से मिलने आया। मैं लियो को ऐसे ऐसे प्यार कर रहा हूँ, नहीं मतलब मैंने लियो को बुलाया, लेकिन फज्जू आया, मैंने फज्जू को प्यार किया, मैंने लियो को बुलाया, लियो को प्यार किया, फज्जू भाई फज्जू ना किसी को प्यार, मतलब फज्जू को है कि लियो को कोई प्यार नहीं करेगा, कर प्यार करना मेरे को कर ले, लियो को मत कर भाई। जब ये हमारा प्लान है कि मस्त ऐसे गाड़ियाँ ना बहुत गंदी गंदी होती हैं, तो गाड़ियाँ धोते हैं पहले तो, और यहाँ पे पाइप पाइप लगा के मस्त ऐसे शैम्पू लाते हैं, कार शैम्पू, और फिर उसके बाद कार पॉलिश मार के घर चलते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके, क्योंकि ये हमारा चौथा दिन है ना, कहाँ गई है, मतलब पीछे पीछे आ रही है, फ्रेश आ रहा है, तो चार दिन हो गए यार, ऐसे लग नहीं रहा ना चार दिन हो गए। देखो कैमरे पे ना इतना पता नहीं चल रहा, बट यहाँ से देखो ना इससे कितना गंदी है, ये देखो ये तो ब्लैक है तो और गंदी है, और यहाँ पे साफ करते हैं, गाड़ी तो खोल, चाबियाँ कहीं गाड़ी की, गाड़ी साफ करते हैं मस्त, और वो देखो उधर शायद आंधी तूफान आया था, चेयर कितनी गिरी पड़ी है, चलो फिर मस्त धोते हैं। तो गाइस अभी हम गाड़ी धो रहे थे, फज्जू को भिगा दिया गीला हो गया है। देखो प्रिशा मेहनत कर रही है, गाड़ी चमका रही है, वो गाड़ी तो मस्त चमक गई, देखो शाइन मार रही है, ये भी चमक जाएगी, बट ये थोड़ी कम चमकेगी क्योंकि सिल्वर है, वो देखो कितनी मस्त चमक रही है। ठीक है अंकल, आपकी तबीयत, अंकल की तबीयत भी मस्त हो गई, अब चलते हैं दिल्ली। गाइस वो देखो हमारे विला के बाहर ऐसे बंदर आ गए इतने सारे, और ये दोनों ऐसे देखो भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहाँ है तुम्हें, देखो फज्जू कहाँ है, वो रहा फज्जू, वो तो बंदर भगा, वो देखो रे वो रे भगा फज्जू, वो रहा बंदर। तो गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं सुबह सुबह मैगी पार्टी, और ये हमने स्टोव लिया था, इसका था ही उतारा क्योंकि उन्होंने कहा था उतारन मेल्ट हो जाएगा, वरना पीछे से फज्जू। गाइस हमारा स्टोव चालू हो गया, और अभी हम इसमें बना रहे हैं पोहा। चालू किसने किया, किसने किया, मेरे को क्रेडिट्स तो दो। गाइस हम बना रहे हैं पोहा एंड इसमें बनाएंगे मैगी यार, बट कोल्ड ड्रिंक। गाइस मस्त हमारी मैगी बनने वाली है, देखो एक सही काम कर रहा है, मस्त बन रही है, खाते हैं। गाइस फाइनली मैगी रेडी हो चुकी है, डालते हैं वहां पे पोहा भी अपना रेडी हो चुका है, डालते हैं मस्त खाते हैं। ये लो यार देखो पापा की मेहनत। गाइस फाइनली मैगी आ चुकी है मस्त मस्त। गाइस मैगी तो खत्म हो गई, क्या मैगी बनी, पापा कह रहे कि स्ट्रॉबेरी लेके जाना है, अपन काम नहीं, बट उनको क्या पता हमने अब कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। सर्दियों में लेपर्ड ट्रेल चलना है। यस लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड देखने चलते हैं, फिर अभी नहाते धोते ब्रश व्रश करते हैं। जू गए हो आप, क्यों गए जू, अब नहीं गए हम तो बोलो, अब तो एक साल में दो तीन बार चले जाते हैं। तो गाइस अभी मस्त रेडी हो गया हूँ मैं तो, और प्रेशर नहा लिया, फज्जू लियो भी आ गया, बस फज्जू मेरे यहाँ पे पेट पे सर रख कर सोया हुआ था मस्त, उसको फिर कुछ आवाज जवाज जागी, वो नीचे चला गया, तो अभी चलते हैं फिर एक घंटे तक, हमारे 12:30 चेकआउट है, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर सीधा पहुँचेंगे दिल्ली, दिल्ली जा के सो जाएंगे यार, बहुत थकावट हो रही है, चार दिन से यहीं पर हम चलते हैं मस्त। सो गाइस अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया और हम जा रहे, सब तैयार हो गए, अभी लास्ट फाइनल फज्जू को सुसु पॉटी कराने लाए हैं, फज्जू और लियो को, और वी आर ऑफ टू दिल्ली नाउ, सीधा घर जाएंगे। अब ऐसे क्यों पहने, ऐसे थोड़ी पहनते हैं, तो आगे पहनते हैं। अरे वो लटक रहा था। हाँ अब तो अभी बस मैंने थोड़ी पपड़ी पपड़ी बन के उतर रहा, तो अब तो सूखेगा ना, नहीं सूख रहा। सो गाइस अब जा रहे हैं, बाय बाय टू दिस व्लॉग, बाय बाय। तो गाइस अभी हम गाड़ी आ गए, देखो इसकी पैरी हमेशा आगे, अब चलते हैं सीधा दिल्ली, और बीच में खाना खाने अगर रुकेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, बाकी सिनेमैटिक्स एंजॉय करो थोड़े। शबीर शबीर गाइस शबीर अंकल के लिए ले चलते, ये तो यही पी लो। सो गाइस अभी फिर चुका शॉर्ट ब्रेक, हमें ऐसे थोड़े राजमा चावल दिख गए, तो देख के मन कर गया खाने का, तो लेते हैं अभी मस्त खाते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं नॉन स्टॉप। राजमा चावल आगे खा के बता कैसे अभी क्या कर रही है। गाइस फज्जू यहाँ पे मस्त बैठे हैं, और लियो भी यहाँ पे मस्त बैठे हैं, फज्जू को अपने पापा के पास बैठना है, अब पीछे आ रहा है, अब पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, वहीं बैठेगा, देख कंफर्टेबल सीट है। हाँ चलो, तो मेरी गोदी में सो गया मस्त, ये पीछे खा रही है राजमा चावल, और फज्जू आगे जा रहा है, ये बेचारा सो नहीं पा रहा फज्जू, ये तो सो रहा है लेकिन फज्जू नहीं सो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेटने की जगह नहीं है, और वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, अभी उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना पूरे रास्ते से तंग हो जाएगा, है ना, तंग हो जाएगा ऐसे फज्जू। कोई नहीं, देखते हुए राजमा चावल तो टेस्टी है ना,
खाता हूँ, मैं खाता हूँ, रुक जा, अभी लियो है ना, ऐसे हाथ रखा हुआ खाता हूँ। सो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे बीच हाईवे पे आम लेने, बट ये भैया बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे हैं, 800 रुपये 200 रुपये किलो, पता नहीं क्या। चलते हैं, टांगे टूट गए, पता है मैं ना पीछे बच्चे को अगर लियोगे सर, मैं सर तो लियो रहा, तो मेरे बालों खींच दिए पूरे आगे, मेरे नीचे सॉरी लोकल। सो गाइस बीच में मैं आगे आ गई थी और ये पीछे चला गया था, और ये देखो दोनों कैसे सो रहे हैं। और गाइस अभी हमने सोचा कि कहीं पे थोड़ा सा आगे जाके स्टॉपेज करेंगे, क्योंकि सब गया था, वॉशरूम डर गया, थोड़ा भूख भूख लग गया। सो अभी चलते हैं और वहाँ कुछ खाएंगे भी हैं, फिर तो सीधा घर ही जाना है। और गाइस मेरे को कुछ दिखा है, मैं पापा को बताती हूँ। हम रुक गए थे सुखदेव फिर गए गाइस, और बाहर तो बहुत म्यूजिक चल रहा था, हम वॉशरूम वगैरह गए थे, तो अभी हम यहाँ आए हैं सीवेज शॉप पर। अरे पापा आप ये वाला फोन कह रहे थे ना, कल आपका फोन। सो गाइस यहाँ पे आ गए मम्मी एक सुखदेव पे, यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाते हैं, कोई बात नहीं, देखो भेज दूंगा। और यहाँ पे मम्मी पापा कहीं बैठे हुए हैं, उनको ढूंढते हैं, क्योंकि लियो पर जो गाड़ी में चले गए, क्योंकि बाहर बहुत तपती गर्मी है दिल्ली में, तो आपको पता ही कितनी गर्मी है, सर दर्द हो रहा है, मन कर रहा आए क्यों दिल्ली। आलू प्याज के पराठे आ चुके हैं, साथ में दही है इसका है, मस्त खाता है तो सर इतना फटाना भी ठंडी कोफी है माहौल दे, बता लो इतनी गर्मी है ना, लोग पता नहीं कैसे आ रहे हैं, तो मजबूरी से ट्रिप से आ रहे थे लोग, ओकेजनली आते हैं भाई यहाँ पे इतनी गर्मी में। कुछ कहना चाहेगी कैसा है, कभी खाया भी नहीं, एक बार भी कह रही है अच्छा। और गाइस इन दोनों ने भी सीट चेंज कर ली है, आगे जैसे ही पीछे है वो आगे चला गया, इसलिए पीछे जाते हैं फंस गया था, फंस पीछे जाते लियो पे आ गया था, क्या कर सकते हैं, दोनों को तो इससे बहुत प्यार है ना, और मेरी टांग बहुत बुरी तरह से, उसकी आंखें कैसे चमक रही, फजू फजू तो देख, फजू भाई दोनों की आंखें कैसी चमक रही है। बस गए फाइनली प्रशा के घर के नीचे, अब हम जा रहे हैं घर, तो ट्रिप व्लॉग्स यहीं पे एंड होते हैं लास्ट पार्ट, अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर कर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें और ट्रिप्स पे जाना चाहिए नहीं, तो चलो फिर बाय बाय बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर डे, क्योंकि हम ट्रिप से आ गए थे और अभी हमने देखा कि व्लॉग तो 7 मिनट का बने हो, और बना रहे हैं एंड वाला बिल्कुल नहीं बना, और क्या कहते हैं, और गाइस हमारी गाड़ी ये वाली बिकॉज़ दोनों कुत्ते गए थे, वो गाड़ी तो बिल्कुल चमक रही है क्योंकि हमने उसे साफ करी थी, ये अंदर से इतनी गंदी हुई पड़ी है ना गाइस, इतनी गंदी हुई पड़ी है, इसको पूरी भी ड्राई क्लीन करवा दिया, पूरा बाल चिपके पड़े हैं सारे कुत्तों के, और हमारी जिद थी गाइस कि कुत्तों को लेके जाना, तो ऐसे अच्छा भी लगता है कि अंकल को बोले आप खुद साफ करो अपनी गाड़ी, तो हमने सोचा अंकल को ये गिफ्ट देते हैं कि हम खुद साफ करवाएंगे गाड़ी पूरी, मस्त करवाएंगे इसको, और फिर चलते हैं अपना पहले रानीबाग जाएंगे, वहाँ से पूरी डीप ड्राई क्लीनिंग वाई क्लीन करवाएंगे, उसके बाद कुछ खा पी के रील्स वील्स बना के। हेलो मेरी शक्ल ऐसे लग रहा है 3-4 साल पहले आ गया भाई, बच्चा लग रहा हूँ यार, पता है मैं ना दाढ़ी बड़ी बड़ी थी ना मेरी, तो मैंने कटवा दी, डबल चिन दिख रही, मोटापा दिख रहा है इसका, तो मैंने कटवा दी, क्यों ना क्योंकि लियो फज्जो की बहुत ज़्यादा थूके लगे थे, स्मेल आ रही थी, मैं धोई भी साफ नहीं हुई, तो मैंने कहा यार एक भाई ना फिर मार देते, कोई नहीं घर की ही थी, मैंने सारी नहीं उड़ाई, शेव नहीं करी, बस थोड़ी ट्रिमर से उड़ाई है थोड़ी ज़्यादा, तो अगर मेरी शक्ल अजीब लग रही हो तो माइंड मत करना, मैं अगले ब्लॉग से मास्क पहन लूँगा। अबे तू चुप कर, तेरा मुंह टेढ़ा है, है ना, इस की स्माइल में ज़्यादा ज़्यादा है ना, तेरा मुंह टेढ़ा है। तो गाइस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी अभी कहां से, अभी तो पंजाब के बाग भी नहीं पहुंचे, थोड़ी सी देर बोला ना मैंने, थोड़ी ज्यादा देर गाइस, अभी गाने वाले सुनते हैं। यस सो गाइस अभी हम यहां पहुंच गए थे जहां पे गाड़ी साफ होती है, तो अभी इनकी 2-3 गाड़ियां बची है, हमें थोड़ा गाइस मैंने ना इस चीज ने बोला कि ना 800 में पूरी करके दूंगा, मैंने कहा 600 दूंगा, फिर ना वो आया कहता चलो 600 दे देना, बुड्ढे को मत बताना, इसका मैं कहा ठीक है, बॉस बॉस होगा, कहते छोटी गाड़ी का होता है 600 में, बट बड़ी गाड़ी का 800 लगता है,
फिर कहते 600 देख लो, कहते कर दूंगा सब कर दूंगा बुड्ढे को मत बताना बताएगी भाई तेरे बुड्ढे को यार। तब इसके बाद कुछ खाने पीने चले यार, बहुत भूख लग रही है। ये बंदा नया आया है यहाँ, मैंने देखा नहीं कभी इसको पहले, मैंने भी नहीं देखा। कम से कम 8-10 बार आ चुके हैं इस तुलना में। गाइस हमारी गाड़ी धुलनी शुरू हो गई और मैं ये लेके खड़ी हूँ टिश्यू बॉक्स। गाइस मस्त दिखाऊं आपको, दिखाऊं गाइस गीली हो गई पूरी और मेरे पजामा भी हो गया। तो गाइस हमारी गाड़ी साफ हो गई, मस्त चकाचक हो गई गाइस। ऐसे ऐसे डांट डांट के साफ करवाई सही में भाई, एंड में तो इतनी डांट आई तो यहां देख वहां देख वहां साफ कर यहां साफ कर, सर पे खड़ा होना पड़ता वरना काम नहीं करते सही में। मॉल में और वो रहा हमारा पिज्जा एक्सप्रेस, क्या हो गया तेरे को? कर लेते हैं हम यहाँ पहली बार नहीं है, रात को इतनी अच्छी लाइटिंग है, इनके पता ही नहीं था। हमारा पिज्जा आ गया, देखो ब्यूटी। सो गाइस अभी हमने पिज्जा तो खा लिया था बट अब अंकल आंटी के लिए डोमिनोज से पिज्जा पैक कराने आए हैं, क्योंकि उनको उन्होंने सुना कि हमें भी पिज्जा खा रहे हैं, तो उनको सुन के ऐसा हुआ कि ले आओ यार अभी भी ले आओ, तो हम आए हैं अभी डोमिनोज वहाँ से पैक कराते हैं। ऑलरेडी नो मेरे पापा का पेट खराब था, तो फिर उन्होंने कहा बेटे पिछले दिनों से घी खा खा के बन गया हो। डोमिनोज से पिज्जा पैक करा लिया है, अब चलते हैं घर, नींद आ गया मेरे पापा को, गुस्सा करेंगे क्योंकि हम ट्रिप पे अगले दिन ही तरह वाला करके करना स्टार्ट हो गए, एक दिन का सबर नहीं हुआ हमें।